हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो वीडियो हमारे पास है, छोटा सा फैन है जो कि कार में यूज होती है, लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर ने इसमें जो किया वो देख के हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड, ये है 12 वोल्ट का डीसी फैन, लेकिन इसको 220 वोल्ट एसी लाइन दे दिया गया है। फ्रेंड, एसी लाइन देने की वजह से यहाँ पर एक फ्रिज लगी हुई थी जो कि एक रेजिस्टेंस है, और ये फ्रिज का काम इसमें कर रही थी जो कि फ्रिज कट गया। अगर ये नहीं होती तो इस पंखे की हालत क्या होती, मैं सोच रहा हूँ। अगर आप भी सोच रहे होंगे तो आप भी ऐसा कोई गलती ना करें, 12 वोल्ट को 220 वोल्ट दे दें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया और देखिए हमारा फैन चलने लगा, जो कि आगे वीडियो में मैंने दिखाया हूँ। तो देखिए फैन इजीली चलने लगा है, फैन में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर लो कॉस्ट का फैन होता तो ये फैन में दिक्कत हो सकती थी। फैन तो आप भी ऐसा कुछ ना करें, 12 वोल्ट को 220 वोल्ट दे दें। अगर ऐसा गलती हो सकता है तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया और इस फैन को और इस फैन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूँ। फ्रेंड, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है इस फैन के साथ, तो आप भी इस फैन का प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है फैन में, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस फैन में ऐसा कोई प्रॉब्लम और होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस फैन की जो क्वालिटी है बहुत ही मस्त है। अगर घर में नॉर्मल यूज करने के लिए भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। 600-700 रुपये के अंदर में इजीली मिल जाएगा, और लाइन कटने के बाद इजीली आप इसको चला पाएंगे 12 वोल्ट बैटरी डीसी बैटरी से, और जो कि इजीली लाइन कटने के बाद बैटरी भी बहुत ही कम खींचती है और बहुत देर तक बैकअप दे देगी। एक छोटा मोटा बच्चा या बड़े आदमी के लिए भी टेबल पर रख के हवा लेने के लिए बहुत ही मस्त क्वालिटी का फैन है। फ्रेंड, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, फ्रेंड जाके अमेजन में चेक करें और परचेज करें। फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक था। तब तक के लिए बाय। फिर से करने वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हैं, फिर से मिलते हैं फ्रेंड।